राजधानी देहरादून के सबसे प्रसिद्ध झंडे मेले की शुरुआत 12 मार्च को हो चुकी है। मेले में कई जगहों से आए तमाम हस्तियों ने शिरकत की। वहीं झंडे मेले के तीसरे दिन यानी कि 14 मार्च को नगर परिक्रमा रैली निकाली गई। इस परिक्रमा रैली में करीब सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु नगर भ्रमण पर निकले। देहरादून के घंटाघर में महंत देवेंद्र दास का श्रद्धालु ने भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए महंत देवेंद्र दास ने कहा कि यह परिक्रमा दरबार साहिब से शुरू होकर सहारनपुर चौक से होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि अपनी इस परंपरा संस्कृति को हमेशा जीवंत रखें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश। कल एक झंडा मेले के परिप्रेक्ष्य में कल एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर शिरडी क्षेत्र में होगा। उनका ऑलरेडी जो रूट है वो निर्धारित है और उस निर्धारित रूट के कारण जो है जो ट्रैफिक डाइवर्जन होगा वो हमने प्लान ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसका मेरे ख्याल से SP ट्रैफिक साहब ने उसको उसका प्रचार प्रसार कर लिया। हम आज फिर करेंगे।